3600 किलोमीटर की यात्रा करके लौटा निशान श्री गोगाजी महाराज की छठी लेकर श्री जगन्नाथपुरी गया था धोलावाटा नागबाई का गुरुचरण अखाड़ा। वाल्मीकि समाज की आस्था का केंद्र गोगाजी की छठी निशान यात्रा के अजमेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। धोलावाटा नागबाई का गुरुचरण अखाड़ा श्री गोगाजी महाराज की निशान छड़ी लेकर श्री जगन्नाथपुरी गया था। 3600 किलोमीटर की यात्रा करके 20 लोगों का जत्था अजमेर लौटा। अजमेर लौटने पर मार्टंडल ब्रिज से अलवर गेट नगरा अशोकनगर भट्टा होते हुए धोलावाटा नागबाई पहुंचने पर क्षेत्रवासियों के साथ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम के सफाई कर्मचारी और जमादार सहित समस्त वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। अखाड़े के उस्ताद रामस्वरूप पवार ने बताया कि यह अजमेर का पहला अखाड़ा है जो गोगाजी की छड़ी लेकर पहली बार अजमेर से 3600 किलोमीटर की यात्रा कर सकुशल लौटा है। नागबाई धोलावाटा का गुरुचरण अखाड़ा इससे पूर्व वर्ष 2022 में केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा भी तय कर चुका है और वर्तमान में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरी की है। इस यात्रा में 20 जनों का जत्था अपनी यात्रा करके सकुशल अजमेर पहुँचा है। सावन मास में नागपंचमी को गोगा जी के निशान छड़ियां उठाई जाती है और गोगा जी का पूजन सवा माह चलता है और सवा माह में जो गोगा जी को उठाने वाले घोड़े हैं जो भगत जी के शिष्य होते हैं वो सवा महीने का नियम पालन करते हैं और नंगे पांव रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने हाथ का बनाया हुआ बहुत सारे लोग भोजन करते हैं। हमारा ये निशान जो है गुरुचरण अखाड़ा अजमेर के नाम से चंदू भगत जी की ये छड़ी है जिसके अभी वर्तमान में भक्त राजेश जी बोयत हैं और इनके जो कर्मठ खलीफा हैं वो विनोद नकवाल और उनके सभी साथी। ये इससे पूर्व तो केदारनाथ यात्रा करके आए, अभी ये जगन्नाथ जी महाराज के धाम पर जाकर के यात्रा करके आए निशान सहित। ये निशान जो है अजमेर में हमारे 7 निशान है, हमारा अखाड़ा 200 साल पहले से चल रहा है और गोगा जी का जो पूजन है हमारे वाल्मीकि समाज में हर्षोल्लास से किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि गोगा जी के साथ हमारे वाल्मीकि समाज के बाबा रतन सिंह वाल्मीकि जो इनके साथ ही पैदा उत्पन्न हुए थे और ये गोगा जी की जो छड़ी है इसमें 5 वीर पीरों का वास कहलाता है जिसमें हमारी समाज के रतन वाल्मीकि जी, भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे गोगा जी और इनका लीला घोड़ा, ये 5 जो हैं इस छड़ी के अंदर हमेशा इनका वास रहता है सवा महीने और सवा महीने ही इसकी पावन पूजा की जाती है। वैसे तो इनके स्थान पर 12 मास पूजा की जाती है मगर महत्व जो है वो सावन और भाद्रे का है। बोलो गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज की नवमी आती है, इस दिन समापन होता है विसर्जन। गोगी को मेला होता है जी, मेला होने के बाद में राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर भारतवर्ष में गोगा जी के पर्व मेले मनाए जाते हैं जो अलग अलग तिथि पे मनाए जाते हैं। कहीं रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, कहीं गोगानवमी पर मनाया जाता है, कहीं अन्य और दिनों पर मनाया जाता है, किंतु मुख्य जो मेला है वो गोगानवमी का है जी। गोगानवमी जो धाम है बागड़ में वहाँ पंचमी से लेकर गोगानवमी और गोगानवमी से लेकर जो बड़ी नवमी आती है उस पर विसर्जन होता है। निशान लेकर जा चुके हैं और कहाँ कहाँ आज इस बार गए? केदारनाथ गए, फिर बद्रीनाथ गए, अब जब जो यात्रा करके आए हैं वो जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आए। कितने किलोमीटर की यात्रा रही? तो लमसम 2000 के समथिंग रही। कितने शिष्य और कितना जत्था आपने? 3 खलीफा थे मेरे, जिसके एक खलीफा मैंने वहीं बनाया और एक भगत जी राजेश भगत जी हमारे जी। उनका निशान है और हम वहाँ से आते थे, उज्जैन भी रुक गए हैं, वहाँ पे भी अच्छा रेफरेंस मिला, स्वागत हुआ हमारा और फिर उसके बाद हम अजमेर आए। अभी जैसे जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ पंडितों के द्वारा किस तरह से स्वागत सम्मान किया गया? बढ़िया रहा, पंडितों से अंदर गेट पे अंदर तो जाने नहीं देते निशान, सिर्फ गेट पे अंदर जाके उसको लगा के। तो अजमेर का पहला निशान है ऐसा जो? अजमेर का पहला निशान ही है। केदारनाथ भी हम पहली बार गए, पहला निशान हमारा ही था।
बद्रीनाथ भी हम पहली बार गए, पहला निशान हमारा ही था। हम जब वहाँ पे अभी जगन्नाथपुरी गए, जब भी पहला निशान हमारा ही है। पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की रही, खाना पीना कैसे रहा आप लोगों का, कैसे गए थे आप लोग? खाना पीना हमारा खुद के लड़कों ने बनाया जी, सबने मिलजुल के काम करा, बढ़िया रहा हमारा सफर। कितने किलोमीटर की यात्रा थी पूरी? 2000 किलोमीटर की यात्रा, आना जाना 4000 हो गया, 4000 किलोमीटर। आपका नाम? विनोद नकवाल। अभी एक यात्रा और है, वो भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।